गोनोरिया यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो अगर हम पुरुष की बात करें तो हर 10 में से एक संक्रमित व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें इसके लक्षण नहीं होते हैं, और महिलाओं की बात करें तो 50% महिलाएं होती हैं जिनमें इसके लक्षण नहीं होते हैं और इन्फेक्टेड होती हैं। मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली, इसी टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ। सो गोनोरिया जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, निजोरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्ट करता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है। इसके लक्षण जो हम अगर बात करते हैं तो लक्षण पुरुष और महिलाओं में थोड़े विभिन्न होते हैं। जो पुरुष होते हैं इसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज या पेन इन यूरिनेशन, इस तरह के लक्षण आते हैं। कभी कभी छोटी गांठें हो सकती हैं आपके थाइस के साइड्स पे। और जो महिलाएं होती हैं उसमें वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि लाइट येलो कलर का, क्रीमी येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। और अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये क्रॉनिक PID यानी कि जो हमारे महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसको इन्फेक्ट कर सकता है, और फिर उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा होने में फ्यूचर में दिक्कत आती है। इस तरह के लक्षण होते हैं। पेनफुल यूरिनेशन हम महिलाओं में भी देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कल्चर नेगेटिव UTI, जिसमें कि हमें इन्फेक्शन जैसे लक्षण आ रहे हैं, यूरिन में पसल्स आ रहे होते हैं, बट उसमें जो कल्चर होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमेशा हम वी आर नॉट एबल टू पिकअप इन कल्चर्स, तो हम हमेशा कल्चर्स में नहीं ग्रो कर पाते हैं, स्पेशल मीडियम में आता है, तो इसीलिए इसे स्टेराइल पायूरिया के भी डिफरेंशियल में डालते हैं। यौन अंगों के अलावा गोनोरिया हमारी आँखों को प्रभावित कर सकता है, स्पेशली बच्चों में देखा जाता है जब उनको माँ से ये इन्फेक्शन मिल जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जब उनका जन्म हो रहा होता है, माँ का अगर इलाज नहीं हुआ है तो उसमें बच्चों की आँखों में इफ़ेक्ट आता है, उसको हम मेडिकली ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम कहते हैं। अगर मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह का इन्फेक्शन है गोनोरिया के कारण, या गले में खराश हो सकती है गोनोरिया के कारण, साथ ही साथ अगर लंबे समय तक इसका इलाज नहीं किया गया और ये बैक्टीरिया शरीर में पड़ा है तो ये हार्ट को या हमारे दिल को अफेक्ट कर सकता है, हमारे जोड़ों को अफेक्ट कर सकता है जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं, और मेडिकली इसको हम गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस और गोनोकोकल आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। जो असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं या जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है गोनोरिया इन्फेक्शन होने का, क्योंकि जैसा मैंने बताया मुख्यतः इसकी जो फैलने का तरीका है वो असुरक्षित यौन संबंध से ही है। गोनोरिया की जो लक्षण होते हैं उसके बेसिस पे हम इसको डायग्नोज करते हैं, साथ ही साथ आपके बिहेवियर में अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्सपोजर ऐसा हुआ है जिसके कारण लगता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन्स आए होंगे, तो वो मुख्यतः तरीका होता है जिससे हम गोनोरिया का इलाज शुरू करते हैं। साथ ही साथ इसके स्वैब टेस्ट होते हैं, जो कि पेशाब की नली से यूरेथ्रल स्वैब लिया जा सकता है या वजाइनल स्वैब लिया जा सकता है, जिसे जाँच के लिए भेजते हैं गोनोरिया के बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए, या कभी कभी जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है। यूरिन में भी इस बैक्टीरिया को कैच किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है इसके इन्फेक्शन को, बट जो कॉमन प्रैक्टिस होती है वो हम सिंड्रोमिक अप्रोच की बात करते हैं गोनोरिया के साथ, जिसमें अगर इस तरह के लक्षण हो रहे होते हैं, कोई बिहेवियर इस तरह का है आपका जिससे आप रिस्क पे हैं इस इन्फेक्शन के लिए, तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। गोनोरिया का इलाज बहुत ही सिंपल होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर इंजेक्शन से हम लगाते हैं तो सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स से गोनोरिया पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगर आप इंजेक्शन के लिए नहीं जाते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स के लिए जाते हैं जो आप टैबलेट फॉर्म में खा सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल होता है। थोड़ा लंबा कोर्स होता है 5 to 7 days का, और बिल्कुल ठीक हो जाता है गोनोरिया। सो गोनोरिया मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, तो यहीं पर रोक करनी होगी कि आपको असुरक्षित यौन संबंध से बचना है। अगर गोनोरिया किसी को एक बार ही ज़िंदगी में होता है तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपको दोबारा हो सकता है अगर बिहेवियर में चेंज नहीं लाते हैं तो।
और साथ ही साथ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना है जो कि गोनोरिया से प्रिवेंट करता है। Thank you.